Hello friends, my name is Lalit. Welcome to my channel Viral Hub. Please इस रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे गूगल पिक्सल जैसे राउंडेड आइकन्स को अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में दो ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहली ऐप का नाम है नोवा लॉन्चर। फ्रेंड्स, आपको इस ऐप के बारे में तो पता ही होगा क्योंकि ये बहुत से फ्रेंड्स इसको यूज़ भी करते होंगे। और सेकेंड ऐप का नाम है फ्रेंड्स पिक्सल आइकन पैक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फ्रेंड्स, ये आपको दोनों ऐप्स प्ले स्टोर में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप नोवा लॉन्चर को फ्रेंड्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है फ्रेंड्स इसको, और इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग्स को ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लुक एंड फील का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आइकन थीम पे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिस्टम और मार्शमेलो ये दो आइकन पैक दिखेंगे, बट आपको ये थर्ड सेकंड ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है पिक्सल आइकन पैक। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड्स। इंस्टॉल करने के बाद आप साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नोवा लॉन्चर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर बताएगा कि आप नोवा लॉन्चर में सेटिंग इसकी कैसे कर सकते हैं। इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अब आप नोवा सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद लुक एंड फील और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्सल आइकन पैक को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि हमारे आइकन जो थे वो पिक्सल जैसे हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे आइकन अब पिक्सल जैसे राउंडेड शेप में आ गए हैं, जो कि बहुत ही कूल लग रहे हैं फ्रेंड्स देखने में। ये बिल्कुल आपको गूगल पिक्सल जैसी फील देगा, तो ये आइकन बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे आइकन सर्कल शेप में आ गए। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी ट्रिक थी और आप भी अगर इसको ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।